हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सातवीं क्लास की हिंदी की किताब दूर्वा का पहला चैप्टर चुड़िया और चुलगुन। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जैसा कि इसमें दिया है वैसे ही आपको इसका अर्थ लिखना है। जैसे इसमें दिया है, छोल घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात। तो इसका मतलब हुआ जो चुलगुन था उसने क्या किया, जो घोंसला था उसको छोड़कर बाहर आया और उसने डाले और पत्ते देखे। पात मतलब पत्ते। तो चुलगुन घोंसला छोड़कर बाहर आया और उसने डाले और पत्ते देखे। इसी तरह आपको जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं इनका अर्थ लिखना है। पहली है, डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चुलगुन था वो एक डाली से दूसरी डाली पर गया। जो पेड़ की डालियाँ होती हैं तो एक डाली से दूसरी डाली पर गया, उसने डाली पर लगी जो कलियाँ थी और फूल थे उनको देखा। फिर खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। तो इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ, चुलगुन के साथ खाने और खेलने वाले सभी साथी उसकी बाट देख रहे हैं, मतलब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले का अर्थ हुआ, चुलगुन पेड़ की एक डाली से दूसरी डाली पर गया, उसने डाली पर लगी कलियाँ और फूल देखे। और दूसरे का अर्थ हुआ, चुलगुन के साथ खाने और खेलने वाले सभी साथी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। तो इसका अर्थ हुआ, चुलगुन ने कच्चे और पक्के फलों में अंतर करना सीख लिया। उसको पता चल गया कि कौन से फल कच्चे हैं और कौन से फल पके हुए हैं जो खाने लायक हैं, और वह सब पहचानने लगा है। उसने उनमें से कुछ को खाया और कुछ को काट कर गिरा भी दिया। फिर है, उस तरफ से इस तरफ पर आता जाता हूँ धरती की ओर। इसका अर्थ हुआ, चुलगुन एक वृक्ष से, तरु माने वृक्ष, तो चुलगुन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर आता जाता रहता है, वह धरती की ओर भी जाने लगा है। तो चुलगुन को हल्का सा उड़ना आ गया है, तो वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता आता रहता है और वो धरती की ओर, पृथ्वी की ओर भी जाने लगा है। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि चुलगुन अपने उड़ने के बारे में बार बार अपनी माँ से क्यों पूछता है। तो आंसर हुआ कि चुलगुन अपने उड़ने के बारे में माँ से इसलिए पूछता है ताकि माँ उसको बता सके कि वह उड़ने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो माँ ही उसे बता सकती है कि वो अभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकता है कि नहीं। अपनी माँ की आज्ञा लेकर ही वह जाना चाहता है। फिर अगला प्रश्न है, चुलगुन को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो चुलगुन को डालों पत्तों पर घूमना, पत्ते का हिलमिल कर हिलना, कलियों और फूलों को देखना, कच्चे पक्के फल हैं उनको खाना, अपने साथियों के साथ खेलना, सभी वृक्षों पर आना जाना, धरती की ओर जाना और नीला गगन देखना अच्छा लगता है। नीला जो आकाश है उनको देखना अच्छा लगता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, चुलगुन अभी अभी अपने घोंसले से निकला है फिर भी वह पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो। तो तुम किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो जिनको तुम जानना चाहते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो जैसे कि मुझे अपने आसपास दिखने वाली चीज़ों के विषय में जानना अच्छा लगता है। तो जब भी मैं बस, कार, मेट्रो आदि में घूमने जाता या जाती हूँ तो विभिन्न स्थानों को देखकर माता पिता से उसके बारे में प्रश्न करता या करती हूँ। तो उनसे मुझे बहुत सी रोचक जानकारियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं। सभी स्थानों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे नए नए स्थानों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, तो चुलगुन ने पहले किसे देखा, क्रम से आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो कोष्ठक में दिए गए हैं नाम, उनको आपको देखना है और बताना है कि उसने पहले क्या देखा, उसके बाद क्या देखा, फिर उसके बाद क्या देखा। क्रम से लिखना है आपको, जैसा कि कविता में आया है। तो पहले उसने क्या देखा, डाल, फिर देखे पात पत्ते, फिर देखी कलियाँ, फिर देखे फूल, फिर देखी फुनगी, फल, साथी, तरु, धरती, दाना, फिर गगन। आपका अगला प्रश्न है कि उगलने के बाद चुलगुन कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखो। तो उगलने के बाद चुलगुन जो है वो बाग, बगीचों, घरों और मैदानों में गया होगा। उसने वहाँ रंग बिरंगे फूल देखे होंगे, बच्चे देखे होंगे, लोगों को देखा होगा, पानी, जानवर और अन्य जातियों के पक्षियों को देखा होगा। इन सबको देखकर उसे आश्चर्य और आनंद दोनों आया होगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर वो आश्चर्यचकित भी हुआ होगा और
प्रसन्न भी हुआ होगा, उसे बहुत अच्छा लगा होगा, उसे बहुत आनंद आया होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, एक वचन के बहुवचन बनाने हैं, जैसे कि घोंसला, उसके बनेगा घोंसले या घोंसलों। ऐसे ही आपको जो ये शब्द दिए गए हैं इनका आपको बनाना है बहुवचन। तो जैसे कि डाल है तो इसका बनेगा डाले या डालों, बात बातें या बातों, कली कलियां या कलियों, फूल फूलों, फल फलों, साथी साथियों, तरु तरुओं, दाना दाने, डैना डैने। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बार बार बोले और प्रत्येक शब्द से एक वाक्य बनाएं। तो ये शब्द दिए गए हैं, इनको आपको बार बार बोलना है और प्रत्येक शब्द से एक वाक्य भी बनाना है। जैसे पहला है डाल, तो डाल को आपको बोलना है डाल और इससे एक वाक्य बनाना है। जैसे कि हम बना सकते हैं कि डाल पर एक तोता बैठा है या डाल पर एक पक्षी बैठा है, कुछ भी बना सकते हैं। फिर है ढाल, तो युद्ध में ढाल अपनी रक्षा करने के काम आता है। फिर है बात, ऊंची आवाज़ में बात मत करो, भात आज मेरी माँ ने मेरे लिए भात पकाया है। फूल, फूल की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। मूल, पौधों के मूल में पानी डालना चाहिए, मूल मतलब जड़, तो पौधों के मूल में पानी डालना चाहिए, जड़ पर जड़ में पानी डालना चाहिए। दाना, पक्षियों को दाना डाल दो। फिर है धान, खेतों में धान पक गए हैं। फिर है फल, तो फल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पल, तो ये पल बहुत सुकून देने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ जब मैं बैठा होता हूँ वो पल मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म हो गए बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।